धूम्रपान से कर्क रोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नमस्ते जी। अरे मेरी माँ, अचानक से मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम्हारा ये हुलिया देखकर मुझे लगा लगेगा लगेगा कार लेकर आए हो ना। चलो चलते हैं, सब ठीक ठाक है ना? यस। You are Surya from Sanmura. और आप? Nice to meet you. I'm Mohandas from Hindu, local correspondent. हाँ, सुना है मैंने, थोड़े दिन दिल्ली में थे ना आप? हाँ। मैंने पहचाना ही नहीं। ए सूर्या जी, आप इधर? गांव में ट्रांसफर हो गया। अच्छा, आप प्रगनाथ जी की बेटी हैं। ए सूर्या, मैंने आपको सामने से नहीं देखा, लेकिन आपको स्कूप और आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। थैंक्स। चलो हम चलते हैं। हाँ। फिर मिलते हैं। मोहन जी, आपको मैं कहीं ड्रॉप करूं? नहीं, अगले दिन की फ्लाइट में होम मिनिस्टर आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो फिर मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ। ये डिग्गी खोलो। दादाजी, दादाजी। हाँ। अरे बेटी, क्या तुम आ गई? इस बार भी बोलोगी और नहीं आओगी ऐसा सोचा था। पिछले दो बार भी तुम आने की बात बोलकर नहीं आई थी। मैं क्या कर सकती हूँ दादाजी, लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हुआ। आप क्यों कर रहे हो ये सब, काम वाले नहीं है क्या? मुझे तो तुम बुड्ढा बनाने की कोशिश कर रही हो क्या मेरी प्यारी बेटी? हैं? मैं देखने में बुड्ढा जैसा दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी सेहत में कोई कमी नहीं है। खा लो खा लो। चलो बेटी, तुम यहाँ आई हो, इस बारे में उसे पता चला क्या? तुम्हारा बाप रंगनाथ वर्मा? नहीं। अरे उस मारवाड़ी लड़की के साथ अभी भी उसका चक्कर चल रहा है क्या?
मेरी बेटी की एक लुक्खे लफंगे शादी करवा दी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अभी इन बातों का क्या फायदा? अरे बेटी, मैं जानबूझकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी खुद की अपनी बेटी फांसी पे लटक कर मर गई, कौन बाप बर्दाश्त करेगा? वो रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसा तेरी माँ ने पहले ही बोला था। उस दिन उसकी बात को मैंने नहीं सुना। नमस्ते सर। नमस्ते सर, अंदर है? हाँ सर, अंदर है। ओके। अरे सुनो भाई, इस मंत्री के पास महंगी कार नहीं है क्या? अरे उसी मंत्री से पूछिए। सीधा जवाब ही नहीं देता है। बात क्या है बोलो। सर गाली मत दीजिए, ये तो पार्टी की जिद है। कम से कम इस बार तो सहायता कीजिए, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। बाकी और पार्टी के लोग आने की बात कर रहे थे, सर आपको भी आना है। अरे आने दो उन सब लोगों को, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। 10 साल पहले ही मैंने ये फैसला ले लिया था, अब ये मुझसे नहीं होगा। हाँ बैठ जाओ। वैसे अगर आप ऐसे बोलेंगे तो भी इस पार्टी के लिए आपने जो जिम्मेदारी ली है उसे आप पूरा करेंगे ना? तुम मुझे ना उकसाओ मत, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरा जवाब यही रहेगा। हेलो सेदू भाई। अरे तुमने किस नाम से पुकारा? सेदू कहकर? इस आदमी को सेदू सर कहके बुलाओ। सेदू सर? यह आदमी पुराना सेदू नहीं है, यह बहुत बड़ा मंत्री है। ये छोटा लड़का जेट्टी को खींचेगा तो अभी भी डर के भाग जाएगा। मानना पड़ेगा, इस आदमी के बारे में इस तरह का करेक्टर स्टेटमेंट अभी तक किसी ने नहीं दिया। अभी तुम्हें और कुछ भी बोलना है क्या? अब बोल के क्या फायदा, आप तो आएंगे नहीं ना। वो तो सही है, यह आदमी एक नंबर का झूठा है। तुम्हारा एक झूठ ये 10 गुना बढ़ा के अखबार में छाप देगी, वही इसका हुनर है। तुम अपने अखबार के बारे में इधर बात करो, मैं भी आया। वैसे दादाजी नहीं आएंगे ऐसा क्यों कहा? पार्टी की इतनी जिद की वजह से मैं सर को बुलाने आया था। वो राष्ट्रा की वनवास में है, नहीं जानते? जानता हूँ, कल का पावरफुल पॉलिटिशियन वर्मा जी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो गठबंधन में आने के साथ, बाकी और भी पार्टी के लड़ते वक्त सत्ता को पाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सर को ये सब पसंद नहीं है। पर आप लोग सत्ता की इतनी जिद क्यों करते हो? सोचो कि सत्ता नहीं चाहिए, वैसे जनता की सेवा के लिए अधिकार हाथ में रहना जरूरी है। यही तो सवाल है, लेकिन जवाब देने के लिए थोड़ी तकलीफ है। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो ना, तो जवाब खुद सोच लो। वैसे अचानक मुंबई से केरला ट्रांसफर क्यों हो गई तुम? पहले वाली रिपोर्टर से मैनेजमेंट खुश नहीं था, और मैं यहाँ की लोकल हूँ इसलिए। तुम्हारे मैनेजमेंट को कोई गलत फहमी हुई है लग रहा है। वो क्यों भला? तो ऐश्वर्या को इधर क्यों भेज के रखा है? वैसे मंत्री जी आपका इलाका कौन सा है? अच्छा कमाई वाला इलाका है ना? क्या कुछ भी। मैं शीला से मिलना चाहती हूँ। कुछ काम है क्या? संडे मिरर में लिखने के लिए। तुम लोगों के मैगजीन में जो आर्टिकल लिखा गया है महाराष्ट्र में, इसी वजह से मंत्री का पद चला गया, शायद यही वजह है। तो फिर डर तो है ना? अरे डरे बिना कैसे? इधर ज्यादातर राजकरण के लोगों का अंडरग्राउंड से ज्यादा कांटेक्ट है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। मैंने जो सुना वो सही है क्या? अरे मैं नहीं जानता। Who is Jackie? Jackie? Jackie. Jackie. वहाँ कुछ कार आई थी ना, कारों में कुछ नहीं मिला क्या? नहीं सर कुछ नहीं मिला, कार तो आई थी। स्टूपिड, तुम्हारी तरह उसने भी सोचा होगा। ही इज ए क्लेवर मैन, इसीलिए इसे जैकी बोलते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती है। आई रिपीट, KBB4600 ब्लू मारुति, गो एंड फाइंड आउट।
बाहर निकलो। क्या बात है सर? मुझे गाड़ी देखनी है, बाहर निकलो। माइंड योर वर्ड्स, आई एम अ बॉर्न फाइट पैसेंजर, व्हाट डू यू वांट? मुझे गाड़ी की तलाशी लेनी है। उसे बोलना चाहिए ना सर। चेक, कम ऑन। अभी हम जा सकते हैं ना? जाने दो। इसमें जो लिखा है वो गुस्सा सब न्याय है। मैं कई ढेर सारी योजनाओं को साकार करके देने की वजह से मेरा भी कुछ फर्ज बनता है आनंदन। एक हिसाब से 18 करोड़ के कम बजट में चलाने वाला गवर्नमेंट है हमारा। जल्दबाजी में आके इन योजनाओं को लागू करने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? कुछ भी हो, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक बार डिस्कस करना ही पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं। सुनो, बेटे से कहो जल्दी तैयार हो जाए। सर, सर, पिताजी रेडी हैं, जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, 5 मिनट में आता हूँ। सर, पहले से बहुत देर हो गई है। बोला ना, आता हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। पिताजी कब जा रहे हैं? जल्दी निकल रहे हैं। तुम इस गाड़ी को लेकर पिताजी के साथ जाओ, मैं तुम्हारी कार में आता हूँ। चलो। हाँ हाँ, मैं निकल ही रहा हूँ, आपके इधर से संबोधन देख कर ही जाऊंगा। अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? पिताजी आप निकल जाइए, मैं सागर की गाड़ी में आ जाऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। अपने सर कैसे हैं अभी? अभी कोई समस्या नहीं। कहाँ है? ऊपर।
सर है? जाना नहीं है क्या? चलिए ट्रेन के लिए वक्त हो गया है। पहले अपने हाथ मुंह धो लीजिए। चलिए आराम से। लॉरेंस, इस हाल में आदमी को ट्रेन से मत भेजो, अपने किसी कार में भेज दो, काफी है। उन्हें जो चाहिए वो देकर भेजो। मैंने आपको कई बार देखा है लेकिन ये धंधा पहली बार है। आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। अरे हम पहले भी कई बार मिले हैं लेकिन बिजनेस में पहली बार मिले हैं। आप भी मुझे अच्छे लगे। आप मलयालम जानते हो क्या? अच्छे से जानता हूँ, मैं मलयाली हूँ ना। इससे पहले आप जब आए थे तब तेलुगु में बात करते थे। जिंदगी गुजारने के लिए है। मेरा सारा बिजनेस आंध्रा में है, मैं तेलुगु बोलता हूँ। पिताजी की वजह से मैं भी आंध्रा से हूँ और मेरी माँ केरला की है। माँ का नाम होगा? अरे वो तो जगह का नाम है। पिताजी कोयला केसरी आंध्रा में थे, घर का पहला बेटा मैं पैदा हुआ, इतने में माँ क्लोज। पिताजी? उनकी कोई जानकारी नहीं, वहाँ जो भी था सब मैं बेच कर यहाँ आ गया। बहुत प्यारा लड़का है। सिर्फ पिताजी का प्यार ही नहीं है, पिताजी की भाषा से भी प्यार है, जैसे तेलुगु। अगर दिन में 5 बार तेलुगु ना बोलूं तो मुझे नींद नहीं आती है, और सच में ये मजाक नहीं है। अरे हाँ, सब ठीक है ना? सब हो गया ना? हाँ। निकलो, संभाल के लेके जाना। संभाल के जाना, एकदम केयरफुल, कहीं पुलिस रास्ते में दिख। ये सब क्या है? सोना है, एकदम केयरफुल, आगे से दखलंदाजी मत देना, ठीक है? केयरफुल। काशिम, सेकंड गुट्टी है, दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, काशिम तुम्हारे आदमियों में कोई तो एक सरकार के आदमियों के साथ मिला हुआ है। अरे बाप रे, भगवान भी नहीं जानता कि हम सागर का ऑपरेशन प्लान किए थे, फिर भी सागर की कार के पीछे कस्टम के लोग पड़ गए थे, इसीलिए संभल के जाना। कासिम, जो भाई ने बोला वो सुना ना? सोने का बिस्कुट एकदम। सुनो, चुप रहो। अरे अपना ऑफिसर किधर है? चला गया। चला गया, एक और डालो। टोनी, इस जैकेट में कितने कीमत वाला सोना होगा क्या तुम जानते हो? 12 लाख रुपए का सोना है। इतने सारे सोने को दिन रात रिस्क उठा करके और अपनी जान खतरे में डालकर आमिर को इससे पहुंचाने पर हमें कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। अगर ये 6 लाख रुपया हम आपस में बांट लें तो जिंदगी सुधर जाएगी। कासिम, हाँ, अगर हम सागर कुट्टी और सागर को ना दें और सीधे ही निकल जाएं तो? कासिम, हम ये बातें यहीं खत्म करते हैं, तुम्हारी बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। तुम डर गए हो क्या? इस तरह के ढेर सारे टेस्ट आते रहेंगे। अरे मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। सागर कुट्टी ने बोला था सरकार के साथ कोई मिला है, वो तो ही है क्या? टोनी जरा देखो,
आज कुछ धंधा नहीं हुआ क्या? नहीं काका। पापा। अरे तुम चुप रहो, सुबह सुबह नाटक शुरू कर दिया फिर से। पापा चाय। अरे तुम्हें चाय चाहिए क्या? नहीं। इसको कैसे संभालू? काका आज माल आने का दिन है। अरबी है या सलोन है? अरबी। किसने बोला? लॉरेंस, वहां से चंगा के साथ जल्दी से निकलने के लिए लॉरेंस ने बोला। और वैसे रॉकी ने बहुत कमाल का काम किया है, बोल रहा था आपसे मिलने के लिए। अरे वो बाहर में गया, वो उसकी बात इधर मत छेड़ देना। पापा नमस्कार साहब। नमस्कार। शीशे भी कैसे हो सब? जानकी, जानकी, जानकी नहीं है साहब, वो मंदिर कहीं है। हाँ। काका। अरे बेटा इधर आइए, आप यहाँ बैठो। मुझे 10 रुपए दो ना। किस लिए? पतंग उड़ाने के लिए। अरे मत दो बेटा, उनको वापस कर दो। ए ए जलाना। चोर नालायक बेटा कहीं का। काशिम को मार दिया ना? उसने टोनी को मार दिया। इससे टोनी की जिंदगी वापस आएगी क्या? मारना मरना मारना, यही इस धंधे में आखिरी में मिलता है। ये धंधा कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहेगा। अभी शाल किधर है? बेटा अंदर है। इसलिए सुना है उसने गांजा बेचना शुरू कर दिया, उससे बात करनी है। सुबह यहाँ आकर सोया था, मैं बुलाता हूँ। शाउल, शाउल, हे शाउल। मैंने समझा के देखा, कौन सुनता है? एक बात बोलो तो 10 उल्टा बोलता है, यही है रवैया। मुझे क्यों बुलाया पिताजी? तुम्हारा नया धंधा कैसा चल रहा है? चल रहा है। ये तुम्हारे लायक धंधा नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। सभी लोग सोने की तस्करी करते हैं क्या? हाँ सब लोग कर सकते हैं। और एक बात, तेरी मर्जी, इस कोट पकड़ लिया तो मेरे पास मत आना, मैं मुड़कर भी नहीं देखने वाला। हाँ। कैसे बात कर रहा है? देखो देखो इस करवैया, देखो। चलो चल जा। हम जो करते हैं वो धंधा सही रास्ते का धंधा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अंधेरे में फायदा देने वाला बिजनेस है गांजा बेचना, मैं जानता हूँ, फिर भी इंसान को बलि चढ़ाने के लिए धंधा हमें नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं? ये आईना कंगी मैं नहीं बेच सकता। ठीक है, नहीं पसंद है तो मत करो। तुम ये मत करो, तुम्हें एक काम करना पसंद है या फिर खुद का कोई बिजनेस शुरू कर लो। तुम सोच समझ के मुझे जवाब दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, आगे से तुम गांजा नहीं बेचोगे। क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? तो मैं चलूं। जूली से कुछ बोलना है बता दो मुझे। माँ अच्छी है बोलना। बाहर खड़े थे सागर, अंदर क्यों नहीं आए? इनसे भी बड़ी शक्तिशाली देवी जब मेरे साथ है तो फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं बताओ? ये लो, तुम खुद ही रखो। चलते हैं।
आज तुम्हारा जन्मदिन है, ऐसा तुम्हारी माँ ने मुझे बताया। माँ को? ठीक है, ऐसा बोलने के लिए बोला। वैसे मैं तुम्हारी इस रोने देने को देखने नहीं आया। इधर देखो, ये जो आंसू बह रही हो ना, ये बेकार में नहीं जाना चाहिए। जूली अब तुम बहुत छोटी उम्र की, आगे भी कभी तुम्हारे ये आंसू बहुत काम आएंगे, तो इन्हें ऐसे फालतू में वेस्ट मत करो, समझ गई ना? मैं चलता हूँ। मुझे कुछ कहना है। बात क्या है मैं जानता हूँ, मैंने पहले भी कई बार इस बात को सुना है। यही बात है कि सागर, इस खतरे के धंधे को छोड़ दो। सागर सागर, मुझे भूल जाओ, मैं एक गुनहगार हूँ, मैं जेल गई हूँ, तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी चाहिए, यही बोलना चाहती हो ना? अरे पागल लड़की, मेरा कल भी आज भी एक ही जवाब है कि अगर ये पूरी दुनिया भी तुम्हें यह कहेगी तुमने जेल की सजा काटी है, तो भी मैं तुमसे ही शादी करूँगा। इस वजह से होने वाली सारी तकलीफ मैं बर्दाश्त करूँगा, किसी और लड़की से शादी करना ये मेरे बस की बात नहीं। जूली, ये क्या है, रोना बंद करो, अब चुप हो जाओ। अगर मुझे कुछ खबर देनी है तो एक खत लिख के असिस्टेंट वार्डन के हाथ में दे दो, काफी है। मैं चलूं क्या? ऑटो मत खींचो, मत खींचो, थोड़ा साइड दो, साइड दो। मैंने बोला, समझ में नहीं आएगा? एक्सक्यूज मी, ऐश्वर्या? हाँ। हेलो जीवन, तुम इधर हो ये मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे इधर आके 3-4 दिन हो गए। वैसे ऐश्वर्या, मुझे ट्रांसफर हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। भोला भाई इधर आओ, ये मेरा फोटोग्राफर है, कुछ स्नैप्स लेने हैं। ओके कैरी ऑन, थैंक यू। अरे इधर नहीं, उधर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हु इज द डिसेस? नो आईडिया कौन है, जानते नहीं। कोई बोट वाले खबर दिए थे कि पानी में लाश है। अरे देखो, काफी दिन हो गए हैं, मर्डर है, उसको बाहर निकाला है। चलो यहाँ से, चलो यार, पोस्टमार्टम जाने के लिए जाएंगे। हाँ ले जा रहे हैं। अरे हट, अरे अंकल देखते रेडी सर, चलते हैं। यस यू प्रोसीड। ऐश्वर्या ठीक है, मैं चलता हूँ। जरूरत की सारी फोटो खींची ना? वो पुलिस ऑफिसर कौन है तुम जिसकी फोटो खींच रहे थे? जीवन दिल्ली में मेरे साथ एमबीए में था। हेलो, सारी वर्क डिटेल्स कलेक्ट कर लो। मैं होटल चाणक्य। हाँ, अरे मेरा नाम चाणक्य है, होटल चाणक्य के मैनेजर का पार्टनर हूँ। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? आई एम ऐश्वर्या फ्रॉम संडे मिरर। ऐश्वर्या,
संडे मिरर, संडे बोले तो रविवार, मिरर बोले तो आईना, रविवार का आईना रहेगा कोई ऐसा आईना, अब रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, चलता हूँ। ये सुरक्षित नहीं है। बैठो। पढ़कर देखिए। मेरे पास बहुत दिनों से आ रहा है, दिल्ली से। तेज आवाज में पढ़ो। Regret to inform you that the Home Department of this state is not getting sufficient moral support of the custom authorities to pervince the such activities, है ना? I will look at the matter, sir. अरे पिछली बार भी ऐसा ही बोला था ना? आपकी फालतू बातों को लेकर पिछली बार दिल्ली वालों ने मुझे सुनाया था। I will alert, sir. लेकिन Come on, sir, आपने तो मुझे restricted किया था। मैं जानता हूँ ऐसा ही कुछ बोलोगे। अगर हमने कुछ बोला तो बदला लेने के लिए मौका देखते हो बस। अभी क्या करना है सर? अगर ये पता होता मैं ही ना कर लेता, फिर तुमसे कोई बोलता? आप कुछ भी करो, आपकी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। यस सर। मिस्टर थॉमस, सर आप इधर आईजी बनकर रहे, कोई जबरदस्ती नहीं है। दे आर ऑर्डर रेफरेंसेस। अरे आपके अंडर में आईजी बन के रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका जो इकलौता बेटा है ना, उसके ही दोस्त जिन्हें आप पाल के रखते हैं, आपके जैसे पिता से निपटना मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस वर्दी को पहनने के बाद अभी थोड़े दिन का वक्त अभी और बाकी है, तब तक जितना बर्दाश्त करके रह सकता हूँ उतना हाथ बांध के खड़ा रहूंगा। मिस्टर थॉमस गए नहीं? सर, सर अरे भूल जाओ, Forget it. मैं इस तरह का बहुत झेल चुका हूँ। जो भी वर्दी पहना है उसके साथ होता है। ऐसी बात नहीं है सर, ये जो छठी क्लास की पढ़ाई करने से पहले हम इस काकी वर्दी को पहनकर जो घमंड करते हैं वो बहुत बड़ी बोरियत है। क्या कर सकते हैं, हम बस थोड़े दिन बाकी हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लो, यू सपोर्ट द इमोशनल फीलिंग्स, यही एक रास्ता बचा है। अरे सर ऐसा मैं कभी नहीं सोचता हूँ, भले ही मेरी वर्दी चली जाए उन सबको सबक सिखा कर ही नौकरी छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग सर। बैठो जीवन। थैंक यू। यू आर एक्स बॉस मिस्टर तेजपाल, मुझे दिल्ली से फोन किया था, हम पुराने दोस्त हैं। तेजपाल जी को आपके ऊपर बहुत फक्र है, साथ साथ में एक और बात बोले थे, जीवन तुम बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो, ये नुकसानदायक है। राधा कृष्णा क्विक रिस्पॉन्स। मेरी ये बोलने की वजह, जीवन तुम कल कैंटीन में राजकरण के लोगों के बारे में बहुत गुस्सा कर रहे थे, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। ये भले ही पुलिस हेडक्वार्टर है लेकिन इधर ज्यादातर राजकारण के लोग जो बातचीत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही होती है, और इस तरह की हरकत पुराने ऑफिसर पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ तुम समझ गए हो। यस सर। सर आपसे कोई मिलने आया है। ओके तो फिर जीवन अभी तुम जाओ। ओके सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बैठिए सर। पिल्ले भाई कल सेकंड डेट में रहते वक्त जब आप मुझ पे गुस्सा हुए थे तब मैंने कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया। वजह यह थी कि मेरे साथ तीन लोग थे, इस वजह से पिल्ले भाई भले ही आप विपक्ष पक्ष में आप भले ही हों लेकिन थोड़े दिन के लिए मंत्री पद में हुए थे। मैं जहाँ बैठा हूँ इस वक्त कटघरे ऑफिस की कितनी कीमत है, और तब भी आप पुलिस वाले नालायक हैं ऐसा बोलेंगे तो कैसा चलेगा? अरे वो सब तो मैंने गुस्से में आकर बोला, उसे दिल से मत लगाओ। नहीं ये मैं नहीं जानता, पुलिस फोर्स की क्या हिम्मत है ये मैं दिखाता हूँ।
लेकिन पिल्ले भाई आपको मेरी मदद करनी होगी। जैसा आपने मुझसे झगड़ा किया था वैसा ही भाई आप असेंबली में करना। वहाँ झगड़ा शुरू हुआ तो पूरे देश में फैलेगा। फिर मिनिस्टर तहकीकात शुरू करने के लिए ऑर्डर निकालेंगे। उसके बाद सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए आप। पहाड़ पे खड़ा हो या पाताल में छुपा हो, सबको उठाकर उनका पर्दाफाश कर दूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाए। अरे शक मत करो, जरा भी इज्जत नहीं है। तेरी वजह से मेरा नाम खराब होता जा रहा है। कल असेंबली में मेरी हालत खराब कर देंगे। एक मुख्यमंत्री को अपने बेटे से मिला तोहफा। पिताजी आप झगड़ा मत करो, बात क्या है साफ साफ बताओ। क्या साफ साफ बताऊं? बेटा अपने मन के मुताबिक मुख्यमंत्री पद का लाभ उठाकर सभी पुलिस वालों को कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। चारों तरफ तुष्टिकरण, देश में होने वाले खून खराबे के बीच मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे का हाथ है। इससे ज्यादा और तुम्हारे बारे में क्या बोलूं मैं। इतनी सी बात? इससे पहले जब आप अपोजिट पार्टी में थे तब इससे भी ज्यादा इल्जाम आपने पिताजी नहीं लगाए थे क्या उन पर? उस दिन ऐसा बोलते वक्त सब झूठ था, मैं जानता हूँ। अभी मामला वो नहीं है, लेकिन अभी विपक्ष के लोगों का इल्जाम तुम्हारे ऊपर है। कल विपक्ष के लोग शोर मचाए तो अभी उन्हें काबू में ले लिया तो हमारे लिए बेहतर होगा। वो अपने हिसाब से बोलेंगे, बात हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। पिताजी आप ऐसा ही बोलेंगे, मैं पहले से ही जानता था। तो फिर सब खुलकर ही बता दीजिए ना, तीनों दोस्त देख लेंगे जैसा भी होगा। शेखर बेटा क्या है? अरे अच्छे से जिंदगी जीने के लिए ऐसा भेज धरना जरूरी है क्या? स्कूल का मास्टर बन के जी लिए होते तो अच्छा होता। एमएलए को पालने के लिए सपोर्ट देने के लिए हम पैसा कहाँ से निकालते? उसी दिन सोचना था ना, एराना कोलम में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने वाला एक मास्टर इस तरह मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए आपके पास ऐसी क्या जायदाद थी? पुराने कपड़े और 1.5 एकड़ जमीन के अलावा आपने सारा पैसा कहाँ से कमाया है? सागर को आपने जितना चाहा पैसे के लिए इस्तेमाल किया, आज आप ये सब करके अपने लड़के को पराजित कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ बोलकर मुझे लुभाओ मत। अधिकार की आजादी जो तुम्हें चाहिए थी ना? हाँ चाहिए था, इसमें शक क्या है? धोखा खाने के लिए थोड़ी है चाय पीने वाले मोहन को राजकरण में लाकर चीफ मिनिस्टर बनाने का। शेखर बेटा। सर आखिर आपकी परेशानी क्या है? कल असेंबली में विपक्ष के मुंह को बंद करना बस इतना ही है ना? बस उनके इल्जाम को ठुकराने के लिए उनसे भी शक्तिशाली हथियार आपको चाहिए, ऐसा ही है ना? इतना ही है ना? वो आपको मिल जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ, भरोसा कीजिए। विपक्ष के जो लेबर यूनियन के कपड़े हैं उनके कलर क्या पता है आपको? ब्लैक। उसे जुटाना होगा, कोई गलत नहीं होना चाहिए। हमारे आदमियों को वो यूनिफॉर्म पहनाने के बाद आज रात को उसके पार्टी के लोगों का ऑफिस मेन रोड पे, तो बस उसे तोड़ना है। कैसे हो कोटल पिलाई? अरे शक मत जताओ, मुख्यमंत्री के पार्टी ऑफिस को तोड़ना। एसिड बल्ब या सोडा बोतल, पत्थर, चट्टान, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस तोड़ना। ऑफिस के अंदर पार्टी के लोग सोए होंगे, उन्हें भी ऐसे मत छोड़ो। मारपीट कर लो लेकिन सीरियस मत हो जाना, ठीक है? हाँ लॉरेंस तुम ऑर्गेनाइज करो लेकिन किसी को सामने मत आने देना। हाँ सागर, मान लिया तुझे, डिसेंट आइडिया है। मुझे इस तरह के आइडिया क्यों नहीं आते? ऐसा आइडिया कभी आएगा? करेक्ट। आकाशवाणी त्रिवंतुरमपुरम अलापुरा त्रिशूल कोड़ीकोट, खास खबर है बालसुब्रमण्यम बालचंद्र। पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा था केरला के पार्लियामेंट की सभा आज आधे में ही बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री के ऊपर विपक्ष के लोगों ने ये इल्जाम लगाया है और आज उस पर चर्चा होगी। कल रात को विपक्ष पार्टी के लोग केरला की पार्टी के साथ सिटी ऑफिस को तोड़ दिया है और विपक्ष के लोगों पर इल्जाम लगाया है। कई सारी पार्टियों ने और एमएलए ने अपने विचार रखे हैं। इस घटना की वजह से
सभा को आगे लेकर नहीं जाया गया, उसे आधे में ही छोड़ना पड़ा। विपक्ष के लोगों के इल्जाम को लेकर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भी तैयार है, लेकिन सब लोग मिलकर इसके ऊपर काफी हंगामा करने जा रहे हैं। ये थी अब तक की रिपोर्ट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जेल केरला देश का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे हिंदी वाले तो जय जय केरला देश, जय जय हिंदी वाले जिंदाबाद, जय जय केरला देश, हिंदी वाले जिंदाबाद, हमारा हिंदी वाले जिंदाबाद, हमारी पार्टी हिंदी वाले जिंदाबाद, हिंदी वाले जिंदाबाद, केरला देश हिंदी वाले जिंदाबाद, केरला देश वाले जिंदाबाद, जय जय हिंदी वाले जिंदाबाद, जय जय हिंदी वाले जिंदाबाद, जय जय हिंदी वाले जिंदाबाद, हिंदी वाले जिंदाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदी वाले जिंदाबाद, हिंदी वाले जिंदाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जय जय हिंदी वाले जिंदाबाद, हिंदी वाले जिंदाबाद, जय जय। अरे देखो पुलिस की गाड़ी, हिंदी वाले जिंदाबाद, चलो यहाँ से जाते हैं, हिंदी वाले जिंदाबाद। सुना ना, असेंबली ने जब नोटिस दिया था तब हदरक वाला कुछ तो करेगा, मुझे इसका पता था, लेकिन वो अपने ग्रुप को भी उतारेगा ऐसा नहीं सोचा था। इस वजह से चाहे कुछ भी होने दो, उसको सबक सिखाएंगे करके ही, इसी वजह से मैं तैयार हो गया था। लेकिन ऑफिस पर उन लोगों ने आक्रमण किया है, इसी से बात बढ़ गई। लेकिन इसमें आप तो बेकसूर है ना? ये तो तुम और मैं जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को बताने में समय तो जाएगा ना? मैंने जो भी बोला था स्ट्रिक्टली अनऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड, आपके शक के दायरे में जो भी है बोल नहीं सकता। अगर इसको आपको पब्लिश करना है तो आपको खुद को रिस्क लेना चाहिए, अनजाने में ही हमारे डिपार्टमेंट को मेंशन मत करो। ऐसा जरूरी है? चाहे कुछ भी हो उसका रिस्क मेरा मैगजीन ले लेगा। Underworld King Sagar India Jackie help the chief minister to overcome the political crisis. क्या हो गया इशू? अरे मैं जो आर्टिकल लिखने वाली हूँ उसके कैप्शन का सोच रही हूँ। अंडरवर्ल्ड के राजकरण के होस्ट ट्रेडिंग सागर या फिर जैकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। आह वैसे सर मुझे ना जैकी से मिलना है, उसका कोई रास्ता? इशू तुम उससे मिल लो, कोई बड़ा आदमी थोड़ी है, आफ्टर ही इज अ थर्ड ग्रेट क्रिमिनल। तुम्हारे लिए होगा बट एज अ जर्नलिस्ट ही इज अ हॉट सब्जेक्ट। व्हाट सब्जेक्ट? इस रास्कल को ग्लोरीफाई करने के लिए आप चाह रहे होंगे। ऐश्वर्या तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे जैकी से निजी तौर पे दिलचस्पी नहीं है। नारियल के झाड़ पर रबर से कुछ लिखकर रखेगा तो वो उसी स्पीड में नीचे उतर के आएगा। देखो तुम्हें जो बोलना है बोल लो, लोगों को इसकी जरूरत है। अंडरवर्ल्ड के इन लोगों की वीरता की कहानी, हाउ दे कंट्रोल पॉलिटिकल मशीनरी, वो लोग पुलिस वालों को कैसे नचा रहे हैं। सुनो पुलिस वालों की बेइज्जती किया तो समझो। अरे सर आपके बारे में नहीं बोल हाँ। रही, सिर्फ आप ही नहीं है, यहाँ और भी तो पुलिस वाले हैं ना। वैसे सुनो जैकी को मैं ढूंढ निकालूंगी विदाउट योर हेल्प। कैसे हो कोटल पिलाई? बस ऐसे ही खेत के लिए निकला था। वैसे बेटा तुम्हारा तो एमएलए मंत्री के साथ नाता है, उनसे कहो ना इस रोड को भी थोड़ा ठीक करवा दें, अभी तो घर से भी नहीं निकला जाता है। मैं मंत्री से बोल देता हूँ रोड ठीक करने के लिए, वो शायद कर देंगे। ए भाई लक्ष्मण तुम जाओ, वानर पति को यूं समझाओ, सीता बिन व्याकुल है राम, राम सिया सियावर राम, देश देश वानर भिजवाए, सागर के तट पर सब आए, सहते भूख प्यास और धाम, राम सिया सियावर राम। संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया, सागर कूद गए हनुमान, राम सिया सियावर राम। वृंदा वृंदावन वृंदावन में रावण वानर कुल को मार के भगाया, उसके बाद
वानर कुल ने बचने के लिए राम से आके मदद मांगी थी। दोनों मिल के कौशल्या के वार में आपस में मिल गए थे। इस जंग में मदद करने के लिए सामने आकर उन्होंने प्रणाम भी किया। अरे तुम कब आए बेटा, मुझे पता ही नहीं चला। राम और रावण की जंग खत्म हो जाने के बाद सोचा कि आपको आवाज दूं। जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र। तुझे अभी भी ये सब याद है? माँ आपने सिखाया ना, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। माँ मुझे अभी बहुत जोरों की भूख लगी है, तो बताइए आपने क्या बनाया? दोपहर से कुछ नहीं खाया। नहीं मैं इधर ही आ रहा था ना, तो इसलिए कुछ खाया नहीं। मैं कुछ बना रही हूँ, तू फ्रेश होकर आ। माँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो ना। मेरे साथ रहने के लिए आप वहाँ क्यों नहीं आ जाती हो? टाउन में ठहरना ठीक नहीं है, मेरा रहन सहन, मंदिर आना जाना सब रुकेगा। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है माँ, आप चिंता मत करो। पाइप को खोलने से काफी है, लेकिन 24 घंटा पानी आएगा। और माँ तुम्हें जो भी भगवान चाहिए सब वहाँ पे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारे पिताजी के समारोह में कौन जाकर दिया जलाएगा बेटा? मेरी जिंदगी जब तक है तब तक उस दिए को जलाते रहना ही मेरी ख्वाहिश है। दक्षिण दिशा में और नारियल के पेड़ लगाने हैं। रख दूंगा। नारियल का काम अभी बाकी है, मरने से पहले ये सारा काम करवाना। रख दूंगा माँ। इन सब काम के लिए कोई तो साथ में होना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए? ये तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुम्हारी मजाक उड़ाऊंगा क्या? तो फिर तुम 4-5 दिन ठहर कर खेती का सारा काम क्यों नहीं करवा जाते? ये हुई ना बात, मैं वहाँ से एक दिन भी दूर नहीं रह सकता, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। पहले ही मुझे 4-5 दिन हो गए। अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, तुम ऐसा क्या बिजनेस करते हो? जब भी पूछती हूँ कुछ ऐसा बताते हो कि समझ नहीं आता। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऐसा बोलूंगा समझ में आएगा? मुझे पता है कुछ नहीं समझोगी। तुम्हारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं समझ आता, जब भी देखो टूर सफर करते रहते हो। वैसे शादी के बाद क्या करोगे? इसी वजह से तो शादी नहीं की। बदमाश, कुछ भी पूछो उल्टा जवाब देता है। वैसे आगे का क्या सोचा है? 28 साल के हो गए हो। तुम्हारे पिताजी के रिश्ते में एक लड़की है वल्सला, बहुत संस्कारी है। कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं की उसने, पर तुम जाकर एक बार उससे मिलो, अगर तुम्हें पसंद आई तो फिर आगे का। सागर बेटा सागर, ऐसे क्या सो रहा है? चलो अंदर जाके सोते हैं। तुम जाते समय रास्ते में मेरा एक काम करना, उस लड़की वल्सला से मिल लेना, अचार डालूंगी। ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। नीनाक्षी देवी जी आप गुस्से में भी सुंदर लग रही हैं। मारूंगी अभी। मैं चलूंगी। ये कैसा आना जाना है बेटा? अगली बार आना तो कम से कम 2 दिन माँ के साथ गुजारना। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एनी मैसेज? सर मिस्टर किशोरी ने फोन किया था, 2:30 बजे की फ्लाइट से दुबई जाएंगे, उससे पहले आप जाकर उनसे मिल लें। हाँ सर, ये नो पार्किंग है। अरे गाड़ी में कुछ खराबी है, मैं बकेने को बुला कर अभी आता हूँ। ठीक है। ऑटो गैराज में लेकर जाओ। किसकी गाड़ी है? सागर सर की। सागर सर अपने सीएम के बेटे का फ्रेंड है। तो क्या हुआ, नो पार्किंग में क्यों पार्क किया? वो सर गाड़ी को रिपेयर करने मैकेनिक को बुलाया ना, इधर आने के बाद उसका गाड़ी खराब हुआ ना। हटाओ यहाँ से। लॉक है सर।
क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम? तुम कौन हो? मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। ये कांच कैसे टूटा? ये क्या लिखा है यहाँ? नो पार्किंग, इधर पार्क नहीं कर सकते। ये भी रॉन्ग साइड में पार्क किया है सर, आपने जैसा किया मैं भी कर सकता हूँ। गाड़ी में बैठो चुपचाप। मैं चढ़ जाऊंगा। अरे उस आदमी की वजह से हम माफी मांगते हैं, इस बार इसे माफ कर दीजिए। आपके बारे में नहीं, चार्ज लिए 2-3 महीना हुआ है। मुझे मत समझाओ ये सब, एक ऑफिसर के लिए इतना कमेंट ठीक नहीं है, तुम जानते हो ना। आप जानते हो ना मेरे पर्सनल मामले के बारे में, मैंने कभी आपके पावर को यूज नहीं किया अभी तक। थोड़े दिन बाहर क्या गया, एक सिविलियन के साथ कैसा बर्ताव करना है वो खुद भूल गया। सागर चलो। जो मर गए वो संतोष ऑफिसर था ना, जो उसका भाई एसपी। संतोष का भाई? तुझे किसने बोला? उस दिन कस्टम ऑफिसर को कन्नूर ले जाकर छोड़ा था ना, उसने बताया। ये क्या कर रहे हो? स्टॉप इट! ऐसा इसने क्या किया? देखा नहीं क्या सर? सागर, ये सब जरूरी है क्या? तस्करी ये सब? मैंने कुछ पूछा? 3 वक्त अगर पानी पियोगे तो भूख नहीं मिटने वाली, जानते हो ना। आखिर एक आदमी खाली पेट कितने दिन रहेगा? तुम्हें कोई और काम नहीं मिला क्या? अरे अचीव करने वालों के लिए अभी कोई भी काम चलेगा, लेकिन अचीव करने जैसा नहीं है। उसे बेचने से मुझे 10-15 रुपए कमीशन मिलेगा। अच्छा काम करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसी वजह से ही। ठीक है, तुम कल ऑफिस आ जाना। तो फिर इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। हाँ, वो कैसा आदमी है मैं देखता हूँ। तुम डरो मत, पूरा भरोसेमंद आदमी है। सेकंड गुटी, इसे मत मारो, संतोष को मत मारो। सेकंड गुटी प्लीज। छोटा और बेदारी के लिए यहाँ एक ही नियम है, वो फिर चाहे तू हो या मैं क्यों ना हूँ। ₹1500 है उस कुत्ते को सरकार की तरफ से दिया जाने वाला पगार। हर महीने मैंने उसे 10,000 देकर पाला पोषा। 2 बार तेरी खातिर मैंने उसे माफ किया, पर उसने धोखा दिया मुझे। 50 लाख रुपए उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। पिछली बार तुमने किया ना, तो क्या हुआ? क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो? गला सूख गया क्या? तुम्हें अचानक से उस एएसपी के ऊपर प्यार आने की वजह क्या है? तुमने क्यों उसे जाने दिया? वो आदमी जो मर गया है वो कस्टमर ऑफिस संतोष का भाई है। ये मुझे बाद में पता चला। तुम अभी भी उस आदमी को भूले नहीं हो? नहीं। जैकी, इस क्रेन कुट्टी, सबका काम खत्म हो गया। हुँ? सब अंदर जाएंगे साथ में, मैं भी। क्या बात है? ये देखो सब गया। संडे मिरर, नाम तो देखा ना, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। ये बात उसे कैसे पता चली? ये बात पिताजी को पता चली तो सब खत्म हो जाएगा, घर में भी नहीं रहने देंगे।
बेकार में झगड़ा करेंगे। ये न्यूज कैसे मिली? मैं जानता हूँ, मैं उससे मिला हूँ। वो एक लड़की है ऐश्वर्या, बहुत डिसेंट लड़की है। अरे मैंने उसको कोई खबर नहीं दी है, सच में मेरा भरोसा करो, मैंने कोई खबर नहीं दी है। वो विपक्ष का जो नेता है पिल्लई, वो हरामखोर है। उसने लड़की को फंसाया तो नहीं? किस लिए? वो इतने नीचे नहीं गिरेगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस घटना को काफी वक्त हो गया है। उस आदमी के पार्टी के लोगों ने ऐसा किया है, ये बात उसी दिन पता चली। साबित करके दिखाने के लिए उसने सुराग नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप बैठा है। ये मुंबई से निकली न्यूज कीमती नहीं है, वो जानता है। रिश्वत नहीं लेंगे, ये भी जानता है वो। फिर अखबार वालों से क्यों दुश्मनी मोल लेने का? अरे भूल जाओ यार उसे। सोचने वाली बात यह है कि उस लड़की को न्यूज कहां से मिली? सागर, उससे अगर हम पूछें तो क्या फायदा होगा? पूछेगा तो इसमें जिसने लिखा है वो सही है कि नहीं, ऐसा मतलब बनता है, नहीं तो वो बाद में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। कुछ भी हो, उसे अगर डराएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा ना। डरेगी डरेगी, जल्दी से जा कट रहा हूं, जितना जल्दी हो सके जाओ। हेलो हेलो, पावर फेलियर। वो खुलेगा नहीं। अब हम क्या करें? क्या करेंगे, अब लाइट नहीं आएगी तो लिफ्ट नीचे कैसे जाएगी? एक्सक्यूज मी, वो आई कार्ड दिखाएंगे? ऐश्वर्या वर्मा, जर्नलिस्ट हो ना? हाँ। अंडरवर्ल्ड किंग सागर एलियास जैकी, हेल्प द चीफ मिनिस्टर टू ओवरकम टू पॉलिटिकल क्राइसिस। इसमें जो लिखा है वो सच है क्या? हम झूठ नहीं लिखते। जो घटना घटी है वही सब लिखा है क्या? जो हुआ वही लिखा है। थैंक्स। वैसे आपको ये सब न्यूज कहाँ से मिल रही है? हमारे पास सोर्सेस हैं। सोर्स बोले तो बड़े आदमी लोगों को जाल में फंसा के, नहीं तो पैसा फेंक कर, क्या यही होता होगा ना? तो फिर जो लिखा है उसे जैकी को जानती हो? ओ यस, जानती हूँ। अच्छा, ये हुई ना बात, उसने न्यूज दिया होगा, नहीं तो कुछ लोग हैं ना जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं मैंने ये किया। आप क्या करते हैं? बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? यही वो बिस्किट बेचने का। होलसेल का धंधा होगा? होलसेल भी है, रिटेल भी है। ओह थैंक गॉड। एक्सक्यूज मी, अपना नाम नहीं बताया। सागर अलियास जैकी। बताइए आपको क्या क्या चाहिए? क्या क्या है? पाउडर, परफ्यूम, साड़ी, सब कुछ। जरा देखने दो। ठीक है, जाता हूँ। मेरा ही बच्चा है, क्या ही कर सकते, उसका दिमाग ठीक नहीं है। आता हूँ, बैठो। हाँ।
ये ओरिजिनल है क्या? डुप्लीकेट माल बेचना मेरा धंधा नहीं है। वो परफ्यूम निकालो, बहुत अच्छा है। सोप पाउडर वो नहीं नहीं ये नहीं, यार्ड ले। ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया है एकदम। निविया इसका क्या दाम है? 125 रुपए। चाहिए तो मैं कम करके दे दूंगा। ये सब मुझे चाहिए। आपको ये सब कहाँ से मिलता है? इम्पोर्टेड है। इन सब के बारे में तो मुझे नहीं पता। काम करने वाले मछुआरे अरब देश के लड़के, उनके पास ड्यूटी भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उन अरब देश के लड़कों ने ये सारा सामान मुझे दे दिया। ड्यूटी भरा नहीं है तो दाम कम करके दो ना। अरे दाम के बारे में मत बोलो, वो फिक्स रेट है। हाँ वैसे जो भी सामान तस्करी करके आता है उसे कोई चेक नहीं करता क्या? उनके लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो फिर ये एजेंट लोग ले जाकर सप्लाई करते हैं ना? तो फिर इन सारे एजेंट का एक डीलर होगा ना? वो शायद जैकी होगा। मैडम वो जानकर आप क्या करोगी? सामान खरीदने आई हो तो सामान खरीदो, आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रही हो? आप कहीं कोई पुलिस वाली तो नहीं हो ना? नहीं मैडम। ना, उठो उठो, चलो चलो। लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वैसे मैम आप क्या जानना चाहती हो? मैं बस सामान लेने आई थी। सामान खरीदने? आप सीआईडी पुलिस वाली हो क्या? मैम आप यहाँ से निकल जाइए, निकल जाइए। वैसे यहाँ क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, एक लड़का इनको यहाँ पर लेकर आया था। सुनिए मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं कम ऑन। मिस ऐश्वर्या वर्मा, अगर मेरे बारे में जानना है तो डायरेक्ट मुझसे ही बात कर लेना। वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं। एक पत्रकार के सवालों पर उन्होंने अगर शक किया तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। काका जी ने अगर आपसे कुछ गलत बोला है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं। लॉरेंस इन्हें घर तक छोड़ दो। अरे मुझे घर तक लेकर आए हो, एक कॉफी तो पिला दो। कम ऑन। थैंक्स। ये मेरा घर है। इसे बंगला बोलो तो ठीक रहेगा। सिट डाउन। थैंक्स। एक्सक्यूज मी वन मिनट। ओह यस। खातिरदारी करने के लिए यहाँ कोई है नहीं, नौकर वगैरह सब बाहर गए हैं, इस वजह से कॉफी नहीं है तो ये कोल्ड ड्रिंक ही पी लो। थैंक यू। तुम यहाँ अकेले रहते? हाँ। कोई और? माँ गांव में रहती है। बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ विल। यू आर रॉन्ग, बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। ऐश्वर्या वर्मा, जैकी के बारे में क्या जानना चाहती हो? सब जानना चाहती हूँ, उससे पहले एक बात, मैं एक पत्रकार हूँ, सब खुलकर पूछूंगी, सब कुछ मैगजीन में छपेगा, उसे पढ़कर मुझ पर गुस्सा मत होना। ये जो अखबार वाले होते हैं उनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, चलो पूछ लो। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जैकी सागर बहुत मशहूर है, आप मुझे ऐसे मिलोगे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि तस्करी करने वाले का ऐसा कोई खास चेहरा होता है, लेकिन तस्करी करने वाले के सारे लक्षण आपको मुझ में मिल जाएंगे, आपके सामने बैठा हूँ। सागर, तस्करी करने के पीछे आपकी कोई खास वजह? इन सारी मैगजीन्स में आप लोगों की वजह से अंडरवर्ल्ड के लोगों की कहानियाँ वीरता के साथ भर भर के लिखी हुई हैं। हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, दाऊद इब्राहिम, इन सब के बारे में बहुत अच्छा लिखा है आपने। बस्ती में रहने वाला भूखा मरने वाला ऐसा सोच सकता है कि इनके जैसे बन जाए तो इसमें गलत क्या है? थोड़ा डेयरिंग रहा तो कोई भी तस्करी करने वाला बन सकता है, सोसाइटी उनको अप्रिशिएट करती है और नेता लोग उनके सामने झुकते हैं।
उनकी दुनिया ही अलग होती है। उनकी दुनिया में कोई भी बाधा डालने वाला नहीं होता। पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। नेता लोग भी उनके साथ रहते हैं और पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं कहती है। वो अपनी जिंदगी मजे से जीते हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े लोगों के साथ रहना, उठना बैठना और खाना पीना भी रहता है। उसके बाद भी अगर पकड़े गए तो कुछ दिन जेल में रहेंगे और उसके बाद कोई ना कोई नेता आकर उन्हें छुड़ा लेगा। इसका मतलब है कि संडे की रात को सेकरन कुट्टी ने धमकी दी थी। अरे वो बात नहीं है, सेकरन कुट्टी ने साथ में रहकर लाने के लिए बोला था। सॉरी, मुझे किसी काम से जाना होगा। कोई बात नहीं, बाद में आती हूं। मैं आपको ड्रॉप करने के लिए बोलता हूँ। हाँ। आइए। लॉरेंस, इन्हें घर तक ड्रॉप कर दो। चलती हूँ। हाँ। अबे चुप, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कुटे आए है। तेरी तेलुगु और मराठी? मेरे पिताजी आंध्रा वाले हैं इसलिए। अरे बस करो, पहले भी सुन चुका हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि नमस्ते। हाँ, अरे मामू कब आए तुम? कैसे आना हुआ? आज सुबह की गाड़ी से ही आया। हाँ, आज कैबिनेट की मीटिंग है, दोपहर में आप ऑफिस में आ जाओ। हाँ, वहीं पर मिलकर बात करेंगे। उसे ले लो। मैंने जो बात बोली थी मुझे सब याद है, तुम चिंता मत करो। सर, मंदिर के पास जो चर्च है उसे खोलने की तारीख बताइए। यह नहीं होगा, मैंने उसी दिन बोल दिया था। मैं इन फादर लोगों के जाल में नहीं फंसूंगा। तुम्हें बहुत ज्यादा रुचि है, उन्हें सामने आने दो, तब सोचूंगा। नमस्ते सर, इसका मामला। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैंने बात कर ली। ठीक है सर। अरे बाप रे, ये कौन है? तोशी। और कामकाज कैसा है? तुम तो हम सबको भूल गए हो। बस आज सुबह ही आया। चलो। तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। 10 बजे मेरी कैबिनेट की मीटिंग है, मीटिंग खत्म होते ही तुमसे मिलता हूँ, आराम कर लो। भाई आप जाकर आइए, मैं तब तक सीएन कुट्टी से मिलता हूँ, काफी टाइम हो गया। वो अंदर ही था ना। शेखर बेटा, शेखर बेटा। अरे ये कौन आया आज? तोशी चाचा कहाँ थे इतने दिन? तुम लोग बात करो, मैं जाकर आता हूँ। तोशी चाचा अंदर जाके बात करते हैं। पुराने जमाने में जितनी भी दौलत थी वो सब बेकार के लोगों में बांट दी गई। आपके पिताजी को भी? ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, आज मैं थोड़ी तकलीफ में हूं। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। खुलकर बोलो तोशी चाचा, मुझे क्या करना होगा? सेन कुट्टी, मुझे एक बिजनेस प्रपोजल मिला है, जैसे गांजा, ब्राउन शुगर, अफीम, हीरोइन, सारे नशीले पदार्थ यहाँ से भेजने, और ये पदार्थ कैसे भेजने वो सब मुझे अच्छी तरह से पता है। 1 किलो हीरोइन का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 4.5 लाख रुपए है और हमारा खर्चा है 25,000 रुपए। 1 किलो सोना बेचने से 200 गुना ज्यादा फायदा है इसमें। वैसे आम तौर पर जब ज्यादा फायदा होता है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, और मुझे पता है पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। बस इसीलिए सैन बुट्टी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? 50-50 इन रिस्क एंड कॉस्ट। ये नया धंधा, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, हमें ये बिजनेस नहीं चाहिए। आखिर बात क्या है? नशे का बिजनेस बहुत घटिया बिजनेस है, ये दूसरे बिजनेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये एक किलर ड्रग है पूरी तरह से। लाखों इंसानों के श्राप को लेना पड़ेगा हमें, चाहे कितना भी फायदा हो हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। अरे तस्करी करने वाले का आखिर समाज में योगदान क्या है? कहीं पर भी पैसा कमाने का रास्ता मिला अपना भाषण शुरू कर देते हैं। अगर कैसे भी पैसा कमाना है तो हम दलाली शुरू कर देंगे, ये कैसे रहेगा? सही है, डीसेंट धंधा। एक आदमी प्रपोजल लेकर आया, तुम्हें नहीं चाहिए था तो मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं, हमें नहीं चाहिए।
दर्द हुआ क्या? नहीं, भूल गया मैं। चमक पकड़ लिया बहुत तेजी से। उसके ऊपर गुस्सा आया तो मैंने मारा। फिर भी मिला तो सिर्फ मुझे ही ना। अबे चाणक्य, इस सागर में इतना बदलाव कैसे आ गया? ये क्या सुधरना चाहता है? मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। एक आदमी की तरह लड़की के पीछे और उसके सर्वनाश के पीछे लड़की का ही हाथ होता है। ऐसा सुना नहीं है क्या तुमने? यहाँ जो हुआ वो वही है। उस दिन जब मैगजीन में न्यूज छपी थी तब सोचा था कि पूछेंगे। तुमने उसे देखा क्या? उस वक्त जैकी ने क्या बोला था और जैकी को जानता कौन है और नुकसान किसको हुआ था, और उसमें साफ साफ लिखा था कि अंडरवर्ल्ड किंग जैकी मुख्यमंत्री को लेकर बच गया है। तो फिर बेइज्जती किसकी हुई इसमें? पिताजी की। तुम तो हो ना अभी, तो फिर वो इतना क्यों चल रहा है? उसको अभी जाने दो। तुम क्या जानते हो सैन कुट्टी, उस लड़की को जब भी देखा है वो उसी के घर में दिखी है। तुमने देखा क्या? देखने की बात कर रहे हो? उस दिन जब उसे बुलाने के लिए उसके घर गया था ना, तब उन दोनों को मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं बस वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, कुछ बोला भी नहीं था। हे सयन कुट्टी, तुम्हारे अंदर सिर्फ ताकत है, बुद्धि नहीं है। शायद भगवान ने दी भी नहीं है, इसीलिए वो तुमको नजरअंदाज कर रहा है। इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारा और तोशी का होगा, और इसका फायदा कोई और उठाएगा। लगता है सयान ने धोखा दिया है, उसने तो तोशी के साथ मिलकर नया धंधा चालू किया है। लॉरेंस, एक गिलास निकालो। अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ, शेखर से मिला? किसी ने कुछ परेशान किया क्या? अरे क्या बात है, खुलकर बताना। सयन कुट्टी ने धोखा दिया है। सयन कुट्टी ने तोशी के साथ मिलकर नया धंधा चालू किया। तुझे भी हो गई है क्या उस चाणक्य की बीमारी? किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो। मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये बात पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। कहाँ है उनकी जगह? वही अपना पुराना अड्डा, रेडफोर्ड गार्डन। तोशी चाचा, ये तो बहुत बढ़िया काम है। अरे बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। तोशी चाचा, दुबई जाने वाले अपने लड़कों के हाथ से भेजेंगे तो इसके बारे में शक तो नहीं होगा ना? अरे वहाँ हमारे लड़के हैं ना, हम उनको जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। अगर कोई कस्टम वाला है तो? नॉर्मल केस में वो लोग चेक नहीं करते हैं। अगर उसके बाद भी चेक किया तो सैन खुट्टी है ना हमारे साथ। ये हुई ना बात। तुमने तो उम्मीद ही नहीं की थी ना। कैसा है, कैसा है तुम्हारा नया धंधा? सब ठीक चल रहा है ना? धोखा और गद्दारी यहाँ बिल्कुल नहीं चलने वाली। यहाँ सिर्फ एक ही नियम है, वो है चाहे कोई भी इंसान हो। तूने ही बोला था ना, जो बोला था वो गलती से बोल दिया। ऐसा लग रहा है ना तुझे अब, ये सब तूने क्यों किया बता? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही गद्दारी की है। हमने चर्चा की थी पिछली बार। अगर सच्चे मर्द हो तो तुम्हें उसी दिन बोलना चाहिए था ना कि धंधा नहीं करने वाला हूँ। अब एक बात बताओ मुझे, तो जो तुमने नया धंधा शुरू किया है वो बंद करने के लिए तैयार हो या नहीं, बताओ मुझे। बंद करना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हारा ये धंधा बंद करवा के मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, समझे? तुम ऐसे मुझे मत डराओ, दो कौड़ी की भी तुम्हारी औकात नहीं थी। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाला मैं ही हूँ, बॉस बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, ये बात अपने दिमाग से निकाल लो। You are only my business partner. चलो अभी बोल दिया तो अच्छा हुआ ना, हम लोग अलग हो जाएंगे। Come on, we'll separate.
ऐसा नहीं हो सकता। अचानक से पार्टनरशिप नहीं तोड़ेंगे, ये नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता। ये होकर रहेगा, मैं ये करके रहूंगा। आज से तुम्हारा रास्ता तुम्हारा और मेरा रास्ता मेरा, समझ गए ना तुम? लॉरेंस। जैकी, तुम पछताओगे। तुम उन बस्ती वाले लोगों, उस लड़की के चक्कर में ऐसा करोगे तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। कल सूरज उगने से पहले ये लोग तुम्हें नकार देंगे। तुम मंदिर के ही नहीं, चक्रवर्ती महाराज के बेटे भी हो, तो अभी तुम्हारा पैदाइशी शराब तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाएगा, समझे? I'll beat you. हाँ, आपके लिए लेटर है सर। सागर, मैं ये लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे डर है। यहाँ के सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि सागर और सेक्रेंड कुट्टी तुम दोनों अलग हो गए हो, आपस में झगड़ रहे हो। तुम्हें सब बहुत परेशान कर देंगे, तुम्हारे बारे में सोचकर बेचैनी होती है, रात में नींद भी नहीं आती। सागर, तुमसे मिलना चाहती थी। देख लिया ना, अभी शांति हो गई है ना? पहली वाली ने मुझे एक लेटर लिखा है जिसके अंदर जो लिखा था उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। अरे, ऐसे कोई आशिक लेटर लिखता है क्या? बताओ जूली, तुम क्यों बेकार की बातों में आकर चिंता कर रही हो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है। मैं और सेकरन बूटी दोनों अलग नहीं हुए, हमारे बीच में कोई भी ऐसा मनमुटाव नहीं। उसने बस अपना पार्टनर अलग ढूंढा ताकि वो नया धंधा शुरू कर सके, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब मैं तुमसे शादी करूंगा तब इस धंधे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या हुआ, अभी तो शांति मिल गई? हे भगवान, कुछ भी हो लेकिन इस बार मैं बच गया। पहली बार मेरी प्यारी माशुका के चेहरे में उदासी बिल्कुल नहीं है, आंसू नहीं है, रोना धोना नहीं है। मैं चलूंगा। यस, कमिंग, बैठो। जॉर्ज, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, अगर मैं घर आया तो मुझे हर कोई देखता। आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। जॉर्ज, इस नंबर को मुझे ट्रैप करके देना है। इसमें सीएम का रेसिडेंट नंबर भी है। हाँ, सेकरन मुट्टी भी वहीं पर रहता है। सीएम का पॉलिटिकल और उनके पॉलिटिकल काम काज में मुझे दिलचस्पी नहीं है। सेकरन मुट्टी के बिजनेस में भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे खिलाफ कुछ साजिश चला तो पता चल जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्या हुआ जॉर्ज, तुम्हें कोई तकलीफ हो गई क्या? इससे पहले भी तो तुमने किया है ना जॉर्ज? जॉर्ज, इतनी तकलीफ हो रही है तो नहीं चाहिए, जा सकते हो। सुभाष, दुबई एयरपोर्ट पे एक आदमी तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। वो आदमी बागीचे से आए हुए ऐसा पूछेगा, हाँ कहकर बोलना उसे। इस डॉलर का दूसरा हिस्सा वो देगा, सही है क्या? वो मिलाकर देखना, अगर जुड़ गया तो ये पेटी उसको दे देना, समझे? वैसे कोई परेशानी हुई, कस्टम वाले पकड़े तो क्या बोलना है ये तुम जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, जैकी ने दिया ऐसा बोलना है। एग्जैक्टली,
चाहे जितनी भी जबरदस्ती कर ले, कुछ भी नहीं बोलने का। तुम्हारा टिकट पेपर सब रिसेप्शन पे है। जाओ। स्पेशल ब्रांच नारकोटिंग कोर्ट सीओ। सर, एक इन्फॉर्मेशन है। कल एक लड़का जो दुबई आने वाला है, सुभाष नाम का एक लड़का जिसके हाथ में एक बॉक्स होगा, उसके हाथों तस्करी हो रही है। छोटा लड़का है, छोटी उम्र की। जी हाँ, सॉरी, वो बोल नहीं सकता। अगर आपके पास टाइम है तो पकड़िए। तोशी चाचा, वो लड़का जैकी का नाम ही बोलेगा या फिर तीन फटका पड़ते ही हम दोनों का नाम भी बोल देगा? अरे कोशी चाचा के बारे में तुमने समझ क्या रखा है? अगर जैकी एक कदम चलेगा तो मैं 10 कदम आगे चलूंगा। कल इस वक्त जैकी जेल की हवा खा रहा होगा। लगता है चाचा पुंगी बजा के रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आंख बंद करके भरोसा मत करो। मेरी बात को समझो, 7 साल के लिए अंदर जाओगे। जो मैं बोलना चाह रहा था वो बोल रहा हूँ, समझ जाओ। 2 कॉल किए गए थे, दोनों फोन एक ही आदमी ने किया। एक होटल फोरवेल में, उसका नाम मिस्टर सुभाष, दूसरा कैला है, नारकोटिक्स के मेन ब्रांच के लिए। अटेंडेंट ने ही कॉल रिसीव किया है। क्या बात हुई उनके बीच? कल दुबई जाने वाली फ्लाइट में एक सुभाष नाम का लड़का है, उसके हाथों तस्करी हो रही है, ये बोला था वो। कोशी खुद ने उस सामान को उस आदमी के हाथों भेजा कर पुलिस को कॉल किया। स्पेशल गार्ड सुभाष को पकड़ेगा तो उसे किसने भेजा है तो वो बताओ क्या नाम लेगा? जैकी ने दिया ऐसा बोलेगा। एग्जैक्टली, वो ऐसा ही बोलेगा लोरेंस। उस चाचा का घटिया दिमाग काम करने लग गया है, अभी हमें बहुत सिर दर्द होगा। जैकी ने दिया। अबे कुत्ते की औलाद, दुनिया में गिरे से गिरे क्रिमिनल भी तुम्हारे जैसे नीचा काम नहीं कर सकता। साथ में रहने वाले एक दोस्त को गुस्से के कारण उसके पीठ पे वार किया तुमने, वो भी एक तीसरे आदमी का बदला लेने के लिए। अगर तू सच्चा मरता है तो सामने से इस तरह मासूम लोगों की बलि मत चढ़ा, समझा? सैकरन बूटी, एक बात याद रखना, जब से तेरी मुलाकात शनि से हुई है ना, तुम्हारे अंक की गिनती शुरू हो गई है। नाउ यू स्टार्ट योर काम नाउ। तोशी चाचा, मैंने पूछा था ना ये जरूरी है, अभी क्या हुआ? मुझे मारने के लिए सामने से आ गया, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। हम यहाँ पर सोचने में लगेंगे और वो अपने काम पर लग जाता है, वही जैकी है। 200 गुना फायदा मिलेगा इस बात को सुनते ही, उससे दुश्मनी मोल लिया। Exactly, तुम लोग जरा भी। अभी मैं उसके काम को देख लेता हूँ। सैकरन बुट्टी, मैंने तुम्हें उस दिन बोला था इस चाचा का साथ मत दो, बहुत नुकसान हो जाएगा और जो हमारे हाथ में वो भी चला जाएगा। मैंने तुमसे बोला था लेकिन नुकसान तुम तेरी तो मैंने सच बोला, इसलिए मत मारो। अगर चाचा का गुस्सा निकालना है तो मुझे मार सकते हो। यस। अरे जीवन, आ गए तुम, आ बैठो। अरे बैठो ना, नो फॉर्मेलिटीज हियर, हैव अ ड्रिंक। नहीं सर, मैं नहीं पीता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सारी बातों को रखकर हम ऑफिस में बात नहीं कर सकते, भीड़ भाड़ की जगह है। मैं 2-3 दिन यहाँ नहीं रहूँगा, दिल्ली जा रहा हूँ। तुम अपना काम अच्छे से करना। मुझे समझ में नहीं आया सर। मैं बताता हूँ, मंत्री के बेटे और उसके करीबी दोस्त में दरार हुई है। उस बेटे का एक नया पार्टनर है, ये कोशी चाचा ही है।
अफीम और गांजे की तस्करी करता ही है। कल या परसों जब भी तुम्हें टाइम मिले प्रोटोकॉल स्प्रेड करो। मंत्री का बेटा नया अवतार, गांजा और पार्टी को कस्टडी में ले लो। अरेस्ट द मैक्सिमम। चाहे कुछ भी हो जाए किसी वजह से उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सेकरन कुट्टी जितनी भी जबरदस्ती कर ले हरगिज मत छोड़ना। पुट द ब्लेम ऑन मी। ये एक कहानी है, ये मेरा निशाना है और इन सारी घटनाओं के पीछे एक ही आदमी है, जैकी। ऐसा साबित करना है। जैकी दिल्ली में रहता है, इसका सहारा लेकर हमने रेड किया है और पब्लिक में न्यूज फैलाई है और इसी न्यूज की वजह से वो छुप रहा है, लेकिन हम पकड़ेंगे। नहीं सर, रेड करके उसे अरेस्ट करने के लिए दिल्ली से हमें कोई ऑर्डर, जैकी इन्फ्लुएंस चाहिए क्या? इवन अदरवाइज डू इट। ये केस मुझे नहीं चाहिए। सीएम की बहुत बड़ी कमजोरी है उसका बेटा। सेकरन कुट्टी की एक उंगली टूट जाने से सीएम की 5 उंगली टूट जाएंगी। सेकरन कुट्टी का एक ही जौनी दुश्मन है। उनके बीच की दरार का मैं फायदा उठाया तो जीत जाऊंगा और जीत मेरी पक्की है। और ये सब मैंने पहले ही कर दिया है, जाल मैंने बिछा दिया है। अब आग अपने आप फैल जाएगी। बेटे को बचाने की जो शक्ति है वो मंदबुद्धि सीएम के पास नहीं है। बदला लेने के लिए इस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी है क्या? अरे वो लोग मेरे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। कल क्या हुआ था शायद तुम नहीं जानते हो। एयरपोर्ट में बाकी सीनियर ऑफिसर के लोगों के सामने, मेरे जूनियर ऑफिसर के सामने रखे उस बुड्ढे सीएम ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। आखिर वो होता कौन है? जिस दिन मेरी बीवी मरी थी उस दिन मैं घर में बैठ के रोया। चाकू बंदूक से मैंने बदला नहीं लिया तो मेरे दिमाग और पढ़ाई को लेकर मैं बदला लूंगा जरूर। मेरे अंदर की भावना रखने वाला मैं भी एक इंसान हूँ। जीवन जी, जो काम मैंने दिया वो पूरा करो। यस सर। हेलो सागर, मैं हूँ सियाई पुत्तन। सागर, तुम्हारे पसंद की खबर तो नहीं है? फिर भी बात क्या है? रात को उस गार्डन में आज रेड होगी। हेलो, कोशी बोल रहा हूँ। क्या रेड? आप कौन? सागर। ओ, रहम दिखाने के लिए शुक्रिया। कोई नई तकलीफ देने का प्लान किया है क्या? हो सके तो भरोसा करने की कोशिश करो। पुलिस मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए दुश्मन है। क्या बात हो गई? बोल रहा पुलिस रेड करेगी, जैकी की वार्निंग। रास्कल, अरे सागर को एक खबर दे दिया तो? अरे कौन सी खुशी में? सेकरन कुट्टी की पुलिस सेकरन कुट्टी के ऊपर ही रेड करेगी? अरे तू पागल है क्या? नहीं नहीं नहीं। तुम लोग उधर जाओ। You go that side. तुम उधर जाओ। तुम उधर जाओ। तुम उधर जाओ। कोई बचना नहीं चाहिए। Come on, make it fast. Get out. चलो उठो यहाँ से। अरे क्या हुआ सर? चलो सर, लेकर चलो। मुझे मत मारो। अरे मैं नहीं करूँगा। अरे 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 क्या देख रहे हो? मैं स्क्रीन का आदमी। अरे तू स्क्रीन का आदमी है। शर्ट निकालो। चलो उधर। अरे बहुत भारी पड़ा। पैंट निकालो। जल्दी खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, जल्दी करो। एक मिनट बस कर रहा हूँ। जल्दी करो। क्यों इतनी तकलीफ दे रहे? चलो उधर। चलो उठाओ बक्से को। एक मिनट सर, एक मिनट। चलो दस बैठो इसमें। अरे बाप रे, पूरा चलो जल्दी से। रखो इसे।
अंदर आओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जल्दी करो। अरे सर। हाँ सर। अरे 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 क्या है रे, नहीं मिला क्या फोन? सर दिल्ली की लाइन नहीं मिल रही है। राजगोपालन सर, जमानत मिलने के लिए और रास्ता नहीं है क्या? इसमें उसकी बेल नहीं हो सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर वो जिसने अरेस्ट किया उस पुलिस ऑफिसर से मिले क्या? क्या बोलते हो? अनऑफिशियली मुझे खबर मिली है, आपका वो पुराना दोस्त है ना सागर, उसकी तरफ से चाल चली गई है। उसने क्या किया? उसने दिल्ली में किसी को इन्फ्लुएंस किया, आईजी को फोन करके रेड करने के लिए इंसर्ट किया। शिट, अपने पास रास्ता क्या है? देखिए आईजी के सामने दखलंदाजी किया हुआ केस होने की वजह से समझौता नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा, पिताजी भी दिल्ली में हैं, आईजी भी दिल्ली में है, वो आपस में मिल गए तो काम बन जाएगा। उसके लिए दिल्ली में लाइन तो मिले। सर दिल्ली होल्डिंग। हेलो केला हाउस, सीएम से थोड़ी बात करनी थी। हाँ मैं सीएम का बेटा हूँ। नमस्ते सर। यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस, बैठो चाय पी लो। दिल्ली में इस बार बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ सर। थॉमस आपके फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है मैं जानता हूँ। रिटायर होने के लिए सिर्फ 6 महीना बाकी है, इतने साल काम करने के बाद भी खुद का आपका एक घर भी नहीं है, यह मैं जानता हूँ। आई नो इट्स थॉमस। अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर एक पेपर फैक्ट्री खुलवाने वाली है थॉमस, ये तुम जानते हो ना। कम से कम 10,000 आदमियों को रोजगार देने का प्रोजेक्ट है, उन सभी अपॉइंटमेंट का अधिकार उसके एमडी को रहेगा। मैं उसके एमडी बनाने के लिए थॉमस को ही चुनूंगा। रिटायर होने के बाद भी 2-3 साल तक थॉमस को कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं इस तरह का मौका तुम्हें दे रहा हूँ तो उसका इस्तेमाल करके फायदा उठाना है थॉमस। वो क्या? थैंक यू सर। मैं कोई नफरत जताने वाला इंसान नहीं हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है। आपको ऐसा कभी कुछ बोला हो तो जिससे आपको बुरा लगा हो तो मुझे बहुत तकलीफ है। फॉरगेट इट। मैं वो सब कब का भूल गया सर। मेरा बेटा शेखर मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है, उसके दिल को दर्द देने वाला कोई भी काम मैं नहीं करता हूँ। उस मामले में मैं जरा खुद गर्ज हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ सर, सेकरन कुट्टी के खिलाफ मैं कभी नहीं चलता हूँ। गुड, मुझे समझ के रहने वाले अधिकारी लोग मेरे दिल को जीत लेते हैं। मैं चलूँ क्या सर? और हाँ, शेखर ने त्रिवेंद्रम से फोन किया, तुम लोगों के बीच में कुछ मसला है क्या? उससे बात करके निपटा दो। ठीक है सर। हे भगवान, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बात है चाचा, जो कुछ हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाते? कितने साल जेल में पड़ा रहा उसकी मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन सेकरन कुट्टी तुम्हारे होते हुए भी। समझ गया, इसकी वजह कौन है मैं ये जानता हूँ। तोशी चाचा, एक ही रास्ता जो हमें दिखाई दिया वो भी बंद हो गया। अभी आईजी हमारे पक्ष में है। उस दिन उसने क्या बोला था चाचा? मेरा काउंटडाउन शुरू करने के लिए बोला था ना। अभी मैं उसे दिखाऊंगा कि अंत किसका होता है। जैसा मैंने बोला वैसा करो।
हेलो। सिट डाउन। थैंक्स। दो दिन से मैं फोन कर रही हूँ, तुम बिजी थे क्या सागर? हाँ। कैसे हो तुम? दुश्मन के यहाँ आकर भी इतना कॉन्फिडेंस दिखाना तुम्हारी, ये बात मुझे काफी अच्छी लगी वाकई। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने ही आकर ऐसा करना जरूरी है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना ये बात। ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया है, तुम्हारी परमिशन लेने के बाद ही मैंने ये आर्टिकल लिखा है। वैसे संगठन तो नहीं है ना? जैकी सॉरी सागर और जैकी अलग अलग हो गए हैं ना? अब आर्टिकल पॉपुलर होगा, अब से रेगुलर खबर छपा करेगी, अब खबरों की जरूरत है। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल के जाने के बाद अखबार वालों को खबर की कमी हो गई है, अब गर्मा गर्म खबर हमेशा मिलती रहेगी। दो बकरों के बीच में तुम मुझे खड़ा करके भेड़िये की तरह खोंचोसने की कहानी मुझसे सुनना चाहती हो ना, यही मतलब है ना तुम्हारा? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब चाहे कुछ भी हो, इस भोले चेहरे के पीछे एक डायन का दिमाग है। वैसे तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम कुछ लिखने आई हो मेरे बारे में। बिना बोले समझ जाओगे ना तुम, सागर से जैकी की कहानी। इसमें जानने के लिए क्या है, खुद अपने हिसाब से लिख लो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा ही करना होता तो मैं तुम्हारे पीछे इतनी तकलीफ उठाकर आती ही क्यों? ये बात तो शेर का भूत पकड़ने जैसी हो गई है बिल्कुल। ये कहानी शुरू करने के लिए कुछ मूड होना चाहिए और राइट नाउ आई एम नॉट इन मूड। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, मैं फिर आऊंगी। ओके। संस्कारी लड़की जरा ठहरो। उसमें कुछ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने ही आकर ऐसा करना जरूरी है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना ये बात। सागर और जैकी अलग अलग हो गए हैं ना? ये मेरी आवाज है, अगर कोर्ट में गई तो किसे सबूत माना जाएगा? अरे मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कुछ, इट इज रूटीन। हो सकता है तुम अपनी जगह सही हो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने आप को सेफ रखना है, दैट्स आल्सो रूटीन। थैंक यू सो मच। निशाना चूक गया तो ये बात बोलने के लिए यहाँ क्यों आया? तुझे भरोसे पर मैंने काम पर लिया, तभी मैं समझ गया था। ये क्या है, कोई इतिहास है? तुम अपने आप को बहुत मान समझते हो। इसे मैं अभी देख रहा हूँ। बहुत हुआ, एक खत्म तो दूसरा शुरू, सर दर्द से छुटकारे का मौका ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? वो सब मैं ही बताऊँ क्या? कुछ हड्डी फेंक कर उन लोगों का मुंह बंद कराओ। वो किसी तरह की हड्डी है, रिश्वत खाने वालों में से नहीं है। पिताजी आप ये काम करो, बदमाशी से बात करो। ये हुई ना बात, वही सब होगा मेरा अगला सरदर्द। खुदगर्ज मंत्री अखबार में भी दखलंदाज। तो पिताजी आपके जो करीबी दोस्त हैं, उनके जरिए समझाओ उसे। अरे वो तो चोर है, तुम बेवजह बात मत बढ़ाओ। तो पिताजी मुझे क्या करना होगा? तो तेरे भी तो कोई गुंडे होंगे ना, हाकाकर वजन बढ़ा रहे। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, आप बीच में मत पड़िएगा। अरे तुम्हें जो भी करना है करो। ऑटो चलोगे क्या? इंगेज है मैडम। Thank you.
ऐश्वर्या मैडम। हाँ। छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। हेलो, थोड़ी देर पहले होटल चाणक्य से सैगल कुट्टी के लिए एक मैसेज आया है। रविवार को जमाल करने वाला आईना मिल गया है, ये मैसेज था। अगला मैसेज था कि घोष आईने को संभाल कर रखना। थैंक यू जॉर्ज। चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सेकंड कुट्टी, तुम्हारे पिताजी आ गए, वहां जाओ। राजी, वहां पर मैं जाता हूं। पिताजी कहाँ हैं? हैंड्स अप। ऐश्वर्या कहाँ है? ऐश्वर्या कहाँ है? कैसे हो बेटा? और तुम ध्यान से सुनो, इसका ख्याल रखना, कोई कुछ पूछेगा, कुछ हुआ है इतना काफी है। खासकर यहाँ के डॉक्टर से बोल दो। यस सर। अखबार के फ्रंट पेज पर छपवा दो, दुनिया को पता चले। हमेशा ऐसा ही बोलते हो लेकिन हर बार उल्टा ही होता है। बेटा मैं सुबह आता हूँ। तोशी तुम चलो।
आयुषी कहाँ है? नहीं मालूम, वो बिना बताए कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता। आते ही मुझसे मिलने के लिए कहो। हाँ। अच्छी खबर मिली है ना, एक पत्रकार को किडनैप किया और तुम आसानी से बच गई। हाँ, तुम काफी किस्मत वाली हो। मैं खुद ही लिखूंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। एल्विन वेलोसिन की एक नॉवल है अलमेटी, उसमें एक कैरेक्टर है बतरेल वर्ल्ड। वो खबर छापने के लिए खुद सामने से न्यूज क्रिएट करता था। अगर मैंने ऐसे किया तो लोग इसे फेक समझेंगे। नुकसान तो मेरा ही है। ओके सर। अगर वो न्यूज बाहर आ गई तो मैं लोगों में हीरो बन जाऊंगा तुम्हें बचाने के खातिर। वो न्यूज बाहर आए ना आए, तुम मेरे लिए हीरो ही हो सागर। मैं गांव जा रहा हूँ, कल पिताजी की सालगिरह। सागर, तुम्हारे पिता कौन थे? मेरे पिताजी गांव में रहने वाले एक सामान्य इंसान थे, 6 साल पहले वो गुजर गए। सागर, तुम अकेले लड़के हो? हाँ, मुझे ये बात सोच के ही डर लगता है। मैं अपने पिताजी की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया, उस वक्त मैं बच्चा था, स्टडी कर रहा था। पढ़ाई पूरी होने से पहले उनका देहांत हो गया और सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उसके बाद मैं और माँ अकेले रह गए, जिंदगी भर तकलीफ वाली जिंदगी जीकर मर गए। कम ऑन। तुम्हारे घर में कौन है? बस मेरी माँ ही है। तो फिर माँ को भी साथ में रखना चाहिए। ऐसा ना? तो नहीं है कि मैंने उन्हें बुलाया नहीं, पर वो खुद आते ही नहीं है कभी। वो पिताजी की तस्वीर के आगे हमेशा दिया जलाते। मैं भी तुम्हारे साथ गाँव चलूँ क्या? क्यों? मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। मैं अभी जाऊँगा तो सीधे शाम को ही लौटूंगा। कोई बात नहीं, वैसे भी कल कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है। थोड़ा पैदल चलोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, चल पाओगी? मैं पत्रकार हूँ, इस बात को तुम भूलना मत। ये गड्ढे मेरे लिए नए नहीं हैं, मैं जंगल में भी जाकर आई ना। बात तो क्या, पत्रकार बनने से पहले संभल के जंगलों में रानी बनकर रहती थी? हैं? संभाल कर आराम से। ऐश्वर्या, मैं कैसा हूँ और मैं क्या करता हूँ इसके बारे में माँ को मत बताना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, समझी तुम? जो माँ को नहीं बता सकते वो काम करते ही क्यों हो? इस सवाल का जवाब मैं खुद से हर दिन ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। चलो। अरे माँ, इतनी देर लगा दी तो मुझे लगा आओगे ही। ये मेरी माँ, और माँ ये ऐश्वर्या वर्मा है, ये एक पत्रकार है, मुंबई से आई है, मेरे दोस्त की बहन है। आओ बेटी। मुंबई में ही पढ़ाई लिखाई हुई है। ऐश्वर्या की ख्वाहिश थी कि गांव की दुनिया को देखे, यहाँ लोग कैसे रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सागर बोला कि मैं गांव जा रहा हूँ तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। अच्छा किया, कुछ तो सही किया इसने। हाँ, तुम जाकर नहाओ चुपचाप, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मैं सुबह नहा कर आया हूँ माँ। ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, जाओ। नहाना जरूरी है क्या? जा नहा। बेटी जब ये मेरे सामने होता है तब पता नहीं मेरे हाथ पैर ही काम नहीं करते। तुम बैठो, मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ। बस थोड़े और चावल अभी लाती हूँ। लगता है माँ का खाना पसंद आ गया तुम्हें ना। बस अरे थोड़ा ले लो ना। ले लो। बोल रही हूँ ना, वो क्या मेरा मेरा पेट भर गया। क्या बात है बेटा, पेट भर गया? पेट क्या? भर गया। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई। माँ ये तुम क्या बोल रही हो? तुम कुछ मत बोलो, मैं फैसला ले चुकी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जरूरी है मुझे इस लड़की के घर वालों से मिलना है। माँ चलती हूँ। हाँ सुनो ना माँ, मैं जाकर आऊँ? हाँ जाओ, जा बेटा। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है।
वो हम दोनों को देखकर गलत समझ रही थी। मुझे भी ऐसा लगा, वो मुझसे भी कुछ पूछने लगी। तो फिर तुमने कुछ क्या बोला? नहीं कहा, मैं बस उनकी बातें सुन रही थी। माँ पर इल्जाम लगाकर कोई फायदा नहीं, हर माँ अपने बच्चों के लिए ऐसा ही चाहती है, तुम तो जानती हो। तो फिर माँ को क्यों परेशान करते हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ये बात मैंने पता नहीं क्यों अभी तक माँ को बताई नहीं। फिलहाल वो जेल में है, उसने अपनी सहेली को बचाने के लिए बिलाल नाम के गुंडे का खून कर दिया, बस इसीलिए इस अपराध के कारण वो अभी भी जेल में है। कौन है वो लड़की? ज्योति। मुझे सागर ने सब बताया, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा ज्योति, लेकिन आगे की जिंदगी खुशी की जिंदगी होगी। तुम जब बाहर निकलोगी तो सागर की बीवी बनोगी। ज्योति की सजा कब खत्म होगी? इस महीने। किस दिन होगी ये मुझे पता नहीं। सागर, जैसा मैं सोच रही थी तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एक बहुत नेक इंसान हो। तुम अपना काम मेहरबानी करके छोड़ दो। ज्योति के जेल से छूटने से पहले इस धंधे से अपने हर एक रिश्ते को तोड़ दूंगा अगर जिंदा रहा तो। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब कौन सी बुलेट का शिकार हो जाऊं, या फिर किसी एक्सीडेंट में मारा जाऊं, या फिर कुछ भी हो सकता है। सागर, ऐसी बातें मत करो, ये अच्छा नहीं लगता है। बात कड़वी है मगर सच है, हैं? ऐश्वर्या, जब हम लोग मिले थे तब मैं एक स्मगलर था और तुम एक पत्रकार थी, है ना? लेकिन अब ये रिश्ता बदल चुका है, हम अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्या हुआ काका, क्या बात हुई? सब कुछ चला गया बेटा, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, न जमीन है न बस्ती बची है। कौन? पुलिस वालों ने। बाकी सब लोग कहाँ हैं? कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया। और औरतें? वो लोग वहीं पर बैठे हुए हैं सब लोग। काका आज आप यहाँ ठहर जाओ, कल हम कुछ फैसला लेंगे, इन्हें रख लो, जरूरत पड़ सकती है। लॉरेंस, thank you.
क्या हुआ सर? मैं आपका बिल्ली आऊं? कल सुबह बात कर लेंगे, अभी तुम जाओ। ठीक है सर। आवाज मत निकालना। आपकी आवाज की वजह से वो लोग उस बस्ती को तोड़ फोड़ रहे हैं। उसे वापस बनवाने के लिए आपको ही बोलना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा। क्या कर लोगे? मैं आपको मारूंगा। आई विल किल यू। कम ऑन। हेलो मिस्टर थॉमस। अभी तो ये बहुत मुसीबत का काम है सर। जब आपने उस बस्ती को तोड़ने की बात कही तो मैं वहीं पर था। वो गरीब लोग हैं, उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अब आप खुद ही सुबह होने से पहले आप ही वापस बनाने के लिए बोल रहे हो। तो मैं क्या करूं? सीएम ने तोड़ने के लिए बोला होगा तो तोड़ दिया, अब बनवाने के लिए बोल रहे हैं। उनकी बात सुने ही तो हम यहाँ पर आए हैं। अरे आप सीएम के साथ? हमारी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोग दिल्ली में मिले थे। अभी इस उम्र में और कोई तरीका भी तो नहीं है मिलने का। मानना पड़ेगा आपको, आप खुद उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो। गद्दारी करने में भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक हैं आप। क्या ही बोलूं आपके बारे में। अरे तुम अभी तक गए नहीं? यस सर। इतना हिचक क्यों रहे हो? फॉलो माय ऑर्डर्स। यस सर। सर आप जो भी बोलेंगे मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं आपका सपोर्टर हूँ। मैं आपको एक बात बोलूं सर, आई रियली फील सॉरी फॉर यू। हेलो, सब बनवा दिया गया? ठीक है, ओके। ये लो गोली। वैसे अंकल, आपकी नींद खुलने से अगर आपको तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब रक्षक की जान लेने पर आ जाए तो कोई क्या ही कर सकता है। मुझसे बदला लेने के लिए उसे गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम उस सयानकुटी को समझाओ, मैं चलता हूँ। लगता है सर आप बहुत थक गए होंगे, आप सो जाइए। पुलिस वाले को तकलीफ नहीं देना चाहिए। मैं जैसे आया था वैसे निकल जाऊंगा।
सेकरन कुट्टी, मैंने अनजाने में ऐसा बक दिया। सेकरन कुट्टी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। पिताजी ने समझाया, फिर भी मैंने बोल दिया। सेकरन कुट्टी, तुम बेकार में जल्दबाजी मत करो। सेकरन कुट्टी, कहाँ जा रहे हो? कोशिश अच्छी है, चलो। हेलो, यस सर। जैकी कहाँ पर है? यहाँ नहीं, लॉरेंस ऊपर। कहाँ है वो सागर? यहाँ नहीं है। सच बोलो। यहाँ नहीं है। मैं बताऊं क्या तुझे? अरे देखो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो गाँव गया है। चलता हूँ कृष्णा। ठीक है। कोई भी कोना छोड़ना मत, हर जगह चेक करो। तुम भी जाओ।
सर आप चिंता मत करिए, आपका बेटा सुरक्षित दुबई पहुंच जाएगा। मिस्टर थॉमस ये बात जैकी को ना पता चले। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। सर सब परफेक्ट ही तो है। अरे बेटे का मामला है ना, उसकी सुरक्षा का पालन हमारा कर्तव्य है, उसे कुछ भी करने दो। ऊपर एक बैठा है ना, वो सोच रहा होगा वैसा ही होगा, लेकिन तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से करना। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हैवी सिक्योरिटी है, मक्खी भी नहीं जा सकती अंदर। गांव की सारी पुलिस मिनिस्टर के घर में है। सुबह 8:30 की फ्लाइट से सियानगुटी दुबई जा रहा है। वहाँ किसी वीआईपी को भी इतनी सिक्योरिटी नहीं मिली होगी, इतना ज्यादा अरेंजमेंट किया है। एयरपोर्ट पर भी अलग से रास्ता, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी पुलिस के अंडर है। सागर, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। Thank you.
जा रहे हो? पिताजी अंदर हैं, मैं सिगरेट पी कर आता हूं। चलो चलते हैं।